हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि हमारे घर के पीछे जो कार रखने के लिए जगह होती है उसकी दीवार से हम आर पार हो सकते हैं। तो गाइस, पहली दीवार तो मुझे यहीं पे मिल गई जब मैं वहां जा रहा था, ये वाली दीवार। गाइस, इससे आप देख सकते हो हम लोग बिल्कुल ही आराम से इसके आर पार जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अब वहां हम जाते हैं जहां पे मिथ की बात हुई है, जो कि है इस गैराज की। तो यहां पे दीवारें कौन सी है? अच्छा, ये जो दो दीवारें शायद ये होगी, तो ये एक दीवार है जिसके हम आर पार जा सकते गाइस बिल्कुल आराम से, और ये दूसरी वाली। तो इनको इतना ध्यान देके तो बनाया होगा नहीं, इसलिए ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि एयरपोर्ट में जो येलो कलर का प्लेन होता है उसे हम कोई सा भी कलर का कर दें RGB छोड़कर, तो थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आएंगे ना, तो वो वापस येलो कलर का ही रहेगा। तो गाइस, आ चुके हम लोग एयरपोर्ट वाले प्लेन के पास, और ये डिफॉल्ट में तो येलो कलर का ही रहता है। अब हम इसको कलर करते हैं, तो इसको कौन सा कलर किया जाए? मुझे लगता है वाइट नहीं, ब्लैक कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ब्लैक हमें दूर से भी दिख जाएगा, है ना। अब दूर जाते हैं बिल्कुल हम लोग, और फिर दूर से देखते हैं इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। तो पीछे आप देखते रहो, अभी तो मुझे ब्लैक कलर का ही दिख रहा है। ये मेरे सामने चेंज होगा ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे यार, अब मुझे दिख नहीं रहा, तो अब चलते हैं बिल्कुल ही दूर और फिर वापस आके देखेंगे। अभी तो कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे। अरे हाँ यार, ये तो येल्लो कलर का हो गया है। मुझे दूर से ऐसा लग रहा था कि ये ब्लैक कलर का ही है, लेकिन पास आया ना तो ये येलो कलर का हो गया गाइस, ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है ये। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम 1211 वाली बाइक को ब्लास्ट करेंगे तो उसकी बाइक के व्हील का ट्यूब जल जाएगा, लेकिन दूसरी बाइक में ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, 1211 से आती है पल्सर, दूसरी एक और बाइक मंगाते हैं कोई सी भी, जैसे कि ड्यूक या KTM, है ना। अब हम लोग इस पे फोड़ के देखते हैं पहले, है ना। इसकी जो टायर का ट्यूब है, आप इस पे ध्यान देना, मैं भी देता हूँ। ये बहुत देर लग रही है फटने में। ठीक है, ये फट चुका है, और इसका जो टायर में है सारे ट्यूब तो है, मतलब मुझे लग रहा है इसी ट्यूब की बात हुई है शायद से। एक बार इस पे भी कंफर्म कर लेते हैं गाइस, ये फोड़ते हैं हम लोग। और अच्छा, तो ये देखो जो इसके टायर के ट्यूब थे ना भाई, ये तो फनी लग रहा है। ये कहाँ चले गए यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे गायब हो गए? तो गाइस, टायर के ट्यूब गायब हो गए उसके, और इसमें है वो, अगर आप टायर पे देखोगे तो। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम हायाबूसा को ब्लास्ट करेंगे तो उसकी बैकलाइट वैसे की वैसी ही रहेगी। तो न्यू हायाबूसा की चीट कोड है 7000, और इसकी बैकलाइट पहले हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये पूरी रेड कलर की है अलग ही। अब इसको फोड़ते हैं। अभी मैं RPG से इसलिए नहीं फोड़ रहा हूँ बाइक को, क्योंकि गाइस यार वो हवा में उड़ जाती है, फिर उनको ढूंढना पड़ जाता है। तो ये देखो, इसके पीछे की जो हेडलाइट्स हैं ये आराम से अभी भी जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप ट्रेन की पटरी पर हेलीकॉप्टर रख के ट्रेन को चलाओगे फिर हेलीकॉप्टर में बैठोगे तो मैजिक देखो। तो पहले हम लोग इस पटरी के एंड पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे गैस कैन खत्म होते हैं। अब यहाँ पे करते हैं एक हेलीकॉप्टर को स्पॉन, जिसकी चीट कोड है 8000। और अब मैं ट्रेन को चालू करता हूँ, पहले इंजन दबा के फिर फॉरवर्ड करके अब हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। दिक्कत ये है कि हेलीकॉप्टर ना शायद थोड़ा सा पीछे रह गया है, इसको मैं हल्का सा आगे कर देता हूँ ताकि बीच में रहे ट्रेन के, है ना। उससे क्या होगा, ये लगेगा तो ट्रेन पे, अगर पूरा नहीं लगा और साइड हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से करना पड़ जाएगा। देखते हैं अब ट्रेन हमें ठोकता है तो फिर क्या होता है। ये हम लोग बैठे हैं, ये मारा इसने और क्या हुआ, वो चूना लगा दिया, क्या हुआ? अच्छा, मतलब ये ऑटोमेटिक उड़ने लगा क्या, ये बोल रहे हो? मतलब क्या मैजिक क्या था इसमें कि ये अपने आप उड़ने लगा, है ना। मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं, अपने आप ही उड़ने लगा, तो ये है क्या मैजिक? मुझे तो कुछ ऐसा खास मैजिक लगा नहीं, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम 555 वाले प्लेन में बैठेंगे तो जब जॉयस्टिक ऊपर नीचे करते हैं ना तो उसका ब्लू पार्ट मूव करता है। अब मुझे समझ में आया कि ये ब्लू पार्ट किस लिए है, जब हम इसको RGB करते हैं तो भी ये ब्लू नहीं होता है, मतलब RGB नहीं होता है ना। तो ये देखो गाइस, ये जॉयस्टिक जो है ये अलग हिस्से है ना, ये प्लेन को उड़ाने वाले हिस्से, देखो सिर्फ ये मूव कर रहे हैं, मैं जॉयस्टिक हिला रहा हूँ तो, और कुछ मूव हो नहीं रहा है, तो ये इस काम के गाइस, तो इसलिए ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि कार या बाइक का शैडो तो दिखता है, लेकिन कार में आग लग जाए तो आग का शैडो नहीं दिखता है। तो देखते गाइस इस पे आग लगा के, अभी तो आपको बाइक का शैडो दिख ही रहा होगा, और ये हमारी फट चुकी है बाइक, अभी भी शैडो तो दिख रहा है, लेकिन ये जो आग है गाइस इसका शैडो, सही बोल रहे हैं, ये दिखाई दे नहीं रहा है, पता नहीं क्यों इसका नहीं बना है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि स्लो मोशन में पिस्तल चलाओ बंदा पिस्तल को रीलोड करेगा। तो ये हमारा नॉर्मल मोड है ना, जहाँ पे हमें पिस्तल रीलोड होते हुए तो नहीं दिख रही है। अब मैं करता हूँ इसको स्लो मोशन में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये कर दिया स्लो मोशन और पिस्तल, हाँ रीलोड तो हो रही है शायद, इसको रीलोड ही बोलते हैं ना, जो ऐसे पीछे आ रही है ये रीलोड ही होता है शायद से, क्योंकि
मैग तो चेंज करेगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से यही रीलोड होता है, तो यह मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह कि 5000 वाली बाइक को ब्लास्ट करने के बाद भी उसकी लाइट का कलर चेंज नहीं होता है। तो 5000 वाली बाइक की लाइट का कलर पर्पल है, ये तो आपको पता ही होगा, आप सामने से भी देख सकते हो। अब फोड़ते हम लोग इस बाइक को, ये फटी बाइक, और आप देख सकते हो जो इसकी लाइट थी ना ये अभी भी जल रही है, पूरी की पूरी बाइक काली पड़ चुकी है लेकिन जो लाइट है वो अभी भी पर्पल कलर की अलग ही जल रही है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि न्यू हाउस के कोकोनट ट्री कलरफुल हैं। तो मैं आ चुका हूँ गाइस हमारे न्यू हाउस के पास, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कोकोनट ट्री है और शायद से ये कलरफुल हैं भी क्योंकि काफी रियलिस्टिक बनाया है इनको। तो यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल रियल पेड़ की तरह बनाया गया है इनको, और शायद से कोकोनट भी लगे हैं इसमें, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि एकदम दूसरे एनपीसी की शैडो नहीं दिखती है। तो यार शैडो तो दिख तो रही है इसकी, अच्छा एकदम से नहीं दिखती, ओके। तो गाइज ये ऐसा रहता है कि पास जाओगे ना तो दिखेगी, हाँ एकदम से नहीं दिखेगी आपको, थोड़ा तो आपको पास रहना पड़ेगा। जैसे मैं वहाँ से आया था, देखो अभी इन दोनों की नहीं दिख रही, पास जाएंगे तो दिखेगी, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर से टैंक को गिराएं और उसके नीचे देखें तो देखना। तो गाइस हम लोग चलते हैं पहले बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर से, तो बिल्कुल ऊंची वाली बिल्डिंग पे आ चुके हैं हम लोग। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग टैंक को ना नीचे गिराएंगे कैसे, हमें उसके साथ गिरना है कि हमें टैंक को गिराना है। तो पहले थोड़ा कोने में स्पॉन करके देखूं मैं टैंक को, यार ये तो ऊपर ही स्पॉन हो गया। अच्छा अगर मैं इसमें आरपीजी मारता हूँ तो क्या ये नीचे गिर जाएगा? वैसे यार हिलता नहीं है टैंक, एक बार तब भी मार के देख लेते, क्योंकि हेलीकॉप्टर के साथ भी ऐसे होता है। दो आरपीजी मारी, तीन मारी, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं इसको कोने में ही स्पॉन करके देखते गाइस, तो शायद से ये नीचे गिर जाए, है ना। बिल्कुल ही एज पे करेंगे हम लोग, यार नहीं गिरा। एक काम करते हैं हम लोग इसके अंदर बैठ के देखते हैं, मुझे लग रहा है शायद हमें ही बैठ के नीचे देखना पड़ेगा। एक तो ये घूमती नहीं है ना, अरे घूम गई, अरे ये क्या है भाई, नीचे इसकी टांग आ रही है। वाह भाई ऐसे चलाता था ये इतने दिनों से, ये तो मालूम नहीं था मुझे। और टैंक में देखो अलग ही इसकी टांग दिख रही है, और ये नीचे से भी बाहर आ गया, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है भाई ये, ओके गाइस तो वो तो गायब हो गया। हमारी टैंक पहली बार पलट गई है, और हमारे बंदे की अब टांग देखो यार, ऐसा लग रहा है फंस चुका है, पता नहीं क्या ही UFO चला रहा है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम एक गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी स्पॉन करते हैं, उसके नीचे वाली गाड़ी को फोड़ें तो हवा में रह जाएगी दूसरी गाड़ी। भाई लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं नीचे वाली गाड़ी फोड़ूंगा तो ऊपर वाली नहीं फटेगी क्या? ये कौन सा लॉजिक है? ये देखो ये मैंने नीचे वाली फोड़ी तो ऊपर वाली भी तो फट जाएगी, तो वो हवा में कैसे रह जाएगी? ये कुछ अलग बोला है क्या मित, या तो कुछ तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम टैंक के साथ रखें तो हो सकता है क्या? देखते हैं एक बार, टैंक फोड़ूंगा नहीं यार, तो भी तो फट गया ये। अब एक काम कर सकते हैं, ओके आइडिया आ गया मुझे, देखो अब फोड़ दिया ना, अब इसके ऊपर स्पॉन कर लेते हैं, तो ये दोनों क्या है डिस्पॉन हो जाएंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो हवा में रहती है कि नहीं। जो तीसरी गाड़ी, अब मैं इनके ऊपर स्पॉन करूंगा, मस्त प्लान है, ये कर दी स्पॉन, है ना। अब देखते हैं जैसे हमारी गाड़ियां होती है डिस्पॉन, पहले शायद ऊपर वाली होगी ना, हाँ वो फटी थी पहले, ये हो गई डिस्पॉन, और देखो वो नीचे गिर गई, मतलब समझ रहे हो कि ये भी डिस्पॉन होगा, वो नीचे गिर जाएगी गाइस, हवा में नहीं रहेगी, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि 5000 से जो बाइक आती है उसमें हम मिक्स कलर लगाए ना तो वो बाइक मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है गाइस लगा के देखते हैं, 5000 से तो वही आती है हमारी पल्सर, अब इसको हम लोग को मिक्स कलर करना है, मिक्स में तो वही हो। भाई ये क्या है गाइस, ये क्या है यार, ये तो बहुत खतरनाक मिक्स हुई है, मजा आया। मतलब मैंने जितने भी गाड़ी पे मिक्स किया ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा यार, मतलब ये सही में मॉडिफाइड गाड़ी लग रही है यार, ये और मॉडिफाई हो जाएगी क्या? एक आध निट्रो बूस्ट लगा के हम लोग कर दें यार, खतरनाक ऑप्शन आ सकते हैं वैसे, है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सही लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो, और ये मिथ कंफर्म्ड है। तो गाइस इस वीडियो के नीचे जाओ और जाके वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, और नीचे कमेंट में अपने मिथ्स कमेंट कर दो ताकि हम उनको लेंगे अगली वीडियो में, और मैं दिखाऊंगा उनको और टेस्ट करेंगे। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के मिथ बस्टर्स वाली, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।